बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफर नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफ़ी सोच विचार के और उदार भी है, उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे, तो उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफर नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज ये, जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए, इसलिए हम लोगों ने सहानुभूति पूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी, लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उसको पुनः विचार भी कर रहे हैं, और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे, लेकिन उसको जैसा कि पूर्व में हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको उदार रखने के निर्देश दिए हैं, और हम लोग भी उसको उदार रखेंगे, और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट, हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे, और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः अभी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे, लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग फेयर रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने उस पर स्थगित करने का विचार किया।